प्रात काल में समय है हाँ महाराज, कुछ भजन पूजा जरूर हो क्या? हाँ कुछ भजन भाव हो जाए। हाँ भाई जमीन में है काम है और दल पे पता लगाए रहो दल आज कहाँ है। मगही खाई लिखा है, मगही खाई लिखा है जहाँ देखो पूरी बटर कहे टूट पर। रघुनंदन राघव सिया राम हरे, सिया राम हरे। Mara
ये संत लोग आ चुके हो दरबार में अयोध्या जा रहा हूं। वहीं से वहीं पर ये मैं अपनी पीड़ा उनको सुनाऊंगा। माँ दाने जन भैया ये सब झलका निगरिया हुआ झोंको आए दे जाता है भट्टा जरे वकील नहीं है झोंको आए दे जगदीश हरे जग हरे समीप में है महाराज। तो जाकर भगवान से आप ये बात कहो कि चैवन ऋषि आए हुए हैं और दरबार में आना चाहते हैं। ठीक है महाराज, आप आसन ग्रहण करें, मैं जा रहा हूं। महाराज की जय हो। कहा दरबारी, क्या समाचार है? महाराज चवन ऋषि आपसे मिलना चाहते हैं। क्या चवन ऋषि आए हुए? हाँ महाराज। ठीक है, उन्हें आदर पूर्वक राज दरबार में ले आओ। जैसी आज्ञा प्रभु। आप लोग आसन
महर्षियों, किस कारण बस आपका आगमन हुआ है यह बताने की कृपा करें। मेरे करने योग्य कोई भी सेवा हो वो कहिए, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। मेरा ये राज मेरे हृदय पर विराज, जीवात्मा मेरी सारी संपत्ति और वैभव मैं आपकी सेवा में अर्पण कर सकता हूँ। यह विश्वास रखते हुए आज्ञा दीजिए, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। वैसे तो आप अखिल ब्रह्मांड नायक कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम रक्कुल शिरोमणि जगदाधार सबके अंतर की बात जानने वाले आप अंतर्यामी हैं। किस प्रयोजन से आपके पास हम आए हैं ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन यदि आप पूछना चाहते तो मैं आपसे कह रहा हूं। निसंकोच होकर कहिए मुनि श्रेष्ठ। कहना आपसे यह है कि मथुरा का राजा लवणासुर है, उसी के समीप में मेरा आश्रम है और उसके आतंक से मैं काफी पीड़ित हूं। वो राक्षस कौन है? वो राक्षस रावण की जो सौतेली बहन कुंभनिषा नाम की थी, तो मधु दानों को उसने दे दिया था कुंभनिषा को। तो मधु दानों और कुंभनिषा दोनों के संयोग से लवणासुर का जन्म हुआ। लवणासुर भगवान शिव की घोर तपस्या के बाद भगवान महादेव जब प्रसन्न हुए तो उसको एक भगवान शिव जी ने एक त्रिशूल दिया और कहा कि यह अस्त्र जब तक तुम्हारे पास रहेगा तब तक पूरे विश्व में कोई तुमसे विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः आपसे निवेदन है कि आपके सभा में ऐसा कोई वीर हो कि जो इस पीड़ा को उठा सके तो यह मेरी व्यथा दूर हो सकती है। मुनिवर, रघुवंशी शरणागत की रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी मोह नहीं करते, अब आप निसंकोच हो जाए। हमें अब केवल यह देखना है कि अयोध्या के राजकुमारों में कौन से ऐसे राजकुमार हैं जो अपने प्राणों को संकट में डालना चाहते हैं। महाराज, ये सेवा का अवसर मुझे दिया जाए। नहीं महाराज, हमें भी एक अवसर दिया जाए। लक्ष्मण भैया 14 वर्ष तक आपके साथ वनवास में रहे और भरत भैया यही वनवास की तरह आपके सेवा में यही रहे। शत्रुघ्न, तुमने सुना नहीं कि वहां प्राणों के संकट हैं और हम बड़े भाइयों के रहते वहां तुम छोटों की जाने की क्या आवश्यकता है? महाराज, मुझे मथुरा जाने की आज्ञा दें, मैं उस नरभक्षी राक्षस को एक ही बाण में वीरगति को प्राप्त कराऊंगा। नहीं महाराज, हमें एक अवसर दिया जाए। लक्ष्मण, महाराज हम राजकुमार शत्रुघ्न से सहमत, उन्हें यह सेवा का अवसर अवश्य दिया जाए। जो इच्छा महाराज। आर्य सुमंत, शत्रुघ्न के साथ जाने वाली सेना में अच्छे अच्छे वीर योद्धा भेजे जाए। ठीक है महाराज। योद्धा को तैयार करने की तैयारी करो और साथ ही में शत्रुघ्न का राज्याभिषेक की भी तैयारी करो, क्योंकि मैं शत्रुघ्न को पहले ही मथुरा का राजा बनाना चाहता हूँ, क्योंकि उस
लौरासुर के बाद उसके राज्य में उसका कोई वंश नहीं बचेगा। इसलिए धर्म कहता है कि यदि किसी राज्य में कोई राजा ना हो तो उस राज्य में अराजकता फैल जाती है। इसलिए इनके राज्याभिषेक की भी तैयारी करो। ठीक है महाराज। प्रभु कहिए महर्षि। ये भैया शत्रुघ्न इस बीड़क, लेकिन बात यह है कि एक चीज को ध्यान में रखना है। ध्यान में यह है कि उसको मारने के लिए अपनी सेना को जब लेकर ये जाए तो वो शाम के वक्त घूमने निकलता है, तो और अस्त्र वो लिए रहता है, लेकिन त्रिशूल को घर पे रख कर जाता है। उस समय वो त्रिशूल अपने हाथ में नहीं लिए रहता है। तो जब वो पीछे के दरवाजे से निकले और आपकी सेना वहीं पर रुकी रहे, तब आप युद्ध के लिए उसे ललकारे, और वो तो कहेगा कि हमारे पास अस्त्र नहीं है, लेकिन आप जब ललकारेंगे तब वो मैदान में आएगा, तभी उस पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। यही एक उपाय है, अन्यथा जब तक त्रिशूल उसके हाथ में रहेगा तब तक आप विजयी नहीं हो सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन महर्षि एक बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम रघुवंशी यदि किसी को कोई वचन देते हैं तो हम अपने प्राणों का भी मोह नहीं करते। आप निश्चिंत हो जाएं, उस दुष्ट का अंत अवश्य होगा। इसलिए बुलाया है कि ये दिव्य और अमोघ बाण देना चाहता हूं। इस दिव्य और उत्तम अमोघ बाण की रचना पिछले प्रलय काल में भगवान विष्णु ने की थी, जब मध और कैटभ नामक दो दैत्यों का अंत करना था। इसलिए और अन्य राक्षस उसमें विघ्न डाल रहे थे। भाई जो मुनि दल मुनियों का संकट विपत्ति का दाता है, पृथ्वी में वह मेरा पहला बैरी कहलाता है। इसलिए लौड़पुर जाकर लौड़ासुर से संग्राम करो, यदि नहीं दुष्टता छोड़े वह तो उसका ताम काम तमाम करो। सुनते हैं बर के कारण वह सहज न मारा जाएगा, लो या ले जाओ इससे संघारा जाएगा। लक्ष्मण ये बाण अत्यंत ही भयानक और विनाशकारी है। इस बाण के वार से बहुत ही जीव का नष्ट होने की संभावना है। इसलिए ये बाण तभी चलाना जब जीवन और संकट पर कोई विपदा आ जाए। ये बाण हमारे आशीर्वाद के साथ होगा।